जो बोल रही थी वही उसी ने ऑर्डर किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। रात को मैं बहुत लेट घर पहुंची थी और सफ़र की भी इतनी थकावट थी, लेकिन नेक्स्ट डे जॉब पर भी पहुंचना था। तो सुबह आ गई थी मैं जॉब पे और उसके बाद जो है हम फ्रेंड्स भी काफ़ी टाइम हो गया था, मिली नहीं थी और मैंने फ्रेंड्स से भी मिलना था। फिर हमारा प्लान बन गया कि हम लोग चल के समोसे खाते हैं, क्योंकि मैंने वहाँ पर फ्रेंड्स के साथ इन समोसों को भी बहुत मिस किया। तो हम लोगों ने पेप्सी ऑर्डर नहीं करनी थी, लेकिन इनके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो हमें पेप्सी ही ऑर्डर करनी पड़ेगी। बस यहाँ पर बैठे और काफ़ी हम लोगों ने गपशप की, क्योंकि इतना टाइम हो गया था हम लोग मिले नहीं थे। बस अब हम लोग जा रहे हैं घर वापस, और घर भी जाके मैंने बहुत सारे काम करने हैं, तो इसलिए बस यहाँ से समोसे रखा लिए, तो मुझे घर जाके खाना नहीं बनाना पड़ेगा। बस वहाँ से वापस आके सारा दिन घर की क्लीनिंग में लगी रही, और आप जब भी घर से बाहर जाना तो आपका काम डबल हो जाता है पीछे। और हर बार मैंने सोचा हुआ था कि मैंने सिर्फ सब्ज़ी ही बनानी है, शिमला मिर्च और आलू, लेकिन मुझे चिकन नज़र आ रही थी फ्रिज में, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कोई डिफरेंट रेसिपी ट्राई की जाए। और इसीलिए मैंने आलू को भी जो है जूलियन कटिंग में कर लिया था और शिमला मिर्च को भी। तो मसालों में ऐसा कोई प्रॉपर मसाला नहीं था मेरे पास, बस ये लेमन जूस पड़ा हुआ था और थोड़ा सा ये तिक्का मसाला था। तो बाकी मैं मसाले बस खाचे डालूंगी, नमक मिर्च वगैरह और जो आप नॉर्मली हांडी में यूज़ करते हैं, और साथ ये तिक्का मसाला भी डाल दूँगी। यहाँ पे मैंने टमाटर को पीस के रख लिया है, क्योंकि इस टाइम ना टमाटर वगैरह नज़र आए वो अच्छा नहीं लगता। और साथ ही मैंने चिकन को नमक मिर्च और तिक्का मसाला डाल के और लेमन वगैरह, तो इसको मैरिनेट करके रख दिया। इसके साथ आपने थोड़ा सा प्याज लेना था, ज़्यादा प्याज नहीं, सांडी में डाले और इसको बस लाइट सा ब्राउन करके इस बीच में शिमला मिर्च और आलू डाल के इसको बिल्कुल ही लो फ्लेम पर रख देना। और चिकन फ्राई करना है तो इसलिए आपने पहले ऑयल को अच्छे तरीके से गर्म कर लेना, और इसमें डाल दूँगी मैं चिकन। यहाँ पे चिकन भी ऑलमोस्ट डन हो चुका है और दोनों साइडों से जो है प्रॉपरली कुक हो चुका है। तो बस इसके साथ ही मैंने ये शिमला मिर्च और आलू भी ये दम पे रखे थे, तो ये भी कुक हो चुके हैं। इसके बाद बस इनको बीच में मिक्स करूँगी, चिकन के पीसीज भी इसके साथ ही मैंने डाल देने, और उसके बाद इसको थोड़ी सी देर दम पे रखे, तो बस आपका खाना रेडी है। आज मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इसमें ना टाइम थोड़ा लगता है, और मैं वैसे भी थकावट इतनी हो चुकी थी घर के काम वगैरह करके, तो उसके बाद इतना टाइम नहीं था कि मैं प्रॉपरली कोई कोचिंग करूँ, लेकिन इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा था। इस वक्त रात हो चुके हैं 11:15 बजे, और सारा दिन काम करके इतनी थकावट हुई हुई थी, और उसके बाद खाना भी बनाना था, तो मेरा भी दिल रहा था कुछ मीठा खाने को, मीठा बनाने का टाइम भी नहीं था, और यहाँ पे गैस की वो लोड शेडिंग इतनी ज़्यादा है कि अगर आपके पास टाइम शॉर्ट है ना तो एक ही काम हो सकता है। तो मैंने बस खाना वगैरह बनाया, और उसके बाद अभी मैंने ऑर्डर कर दी थी आइसक्रीम, और सर्दियों में आइसक्रीम खाने का इतना मज़ा आता है, आप लोगों ने कभी नहीं ट्राई किया ना तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और मैं यहाँ पे इंजॉय करती हूँ आइसक्रीम, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।